बिग बॉस एक ऐसा रियलिटी शो है जो हर किसी को बेहद भाता है, लेकिन बिग बॉस से जुड़े कई ऐसे सवाल भी हैं जो कई लोगों के जहन में हमेशा रहते हैं, जिनके जवाब लोगों को 16 साल के बाद भी नहीं मिल पाए हैं। आज अपनी इस रिपोर्ट में हम उन्हीं सवालों में से एक सवाल का जवाब देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि बिग बॉस में एंट्री से पहले क्या किया जाता है। एक तो बता दें कि बिग बॉस में एंट्री से पहले 2 दिन पहले ही कंटेस्टेंट्स को होटल के अंदर भेजकर होटल में उन्हें बंद कर दिया जाता है, उनके फोन्स ले लिए जाते हैं। लेकिन उस 2 दिन से पहले कंटेस्टेंट्स एक रात पूरे तरीके से भूखे रहते हैं। जी हाँ, टीम कंटेस्टेंट्स को रात को कुछ ना खाने की सलाह देती है। कंटेस्टेंट्स रात के 10 बजे के बाद कुछ नहीं खा सकते, क्योंकि अगले दिन सुबह 10 बजे उनका मेडिकल टेस्ट होना होता है। उस मेडिकल टेस्ट के लिए भूखे रहना जरूरी है। इतना ही नहीं, तमाम मेडिकल टेस्ट और डॉक्टर्स के चेकअप्स के बाद हर कंटेस्टेंट साइकियाट्रिस्ट के साथ सिटिंग लेता है। अगर साइकियाट्रिस्ट ये डिक्लेयर कर दे कि इस शख्स का दिमाग नॉर्मल है, ये किसी भी तरीके से डिप्रेस्ड नहीं है, उसके बाद ही उस शख्स को घर के अंदर एंट्री मिलती है। जी हाँ, मेडिकल टेस्ट से लेकर साइकियाट्रिक टेस्ट तक घर वालों को इन सब चीजों से होकर गुजरना पड़ता है बिग बॉस हाउस में जाने के लिए। वहीं दोहरा दें कि घर के अंदर जाने से पहले 2 दिन उस कंटेस्टेंट को होटल में रखा जाता है बिना फोन के, बिना किसी और चीज के। 2 दिन होटल में रहने के बाद तमाम टेस्ट रिपोर्ट्स आने के बाद ही उस सेलिब्रिटी को बिग बॉस के घर में एंट्री मिलती है। जी हाँ, सेलिब्रिटी चाहे कितना बड़ा हो, लेकिन इस प्रोसेस से बिग बॉस के घर में जाने से पहले हर किसी को गुजरना पड़ता है। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।